अस्सलाम वालेकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पोनेट्स ऑफ ह्यूमन फूड मीनस के जो ह्यूमन फूड हम यूज़ करते हैं उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदरमेंट एनिमल्स आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स अब जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे प्लांट्स से और एनिमल से ज़्यादा हैं कॉम्प्लेक्स हैं लाइक अदर एनिमल्स द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमन इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपड्स न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स मिनरल्स वाइटाम वाटर इन सब के साथ साथ वाटर भी यूज करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स अब जितने भी एनिमल्स हैं सबके लिए जो बेसिक सोर्स है ना एनर्जी का वो है कार्बोहाइड्रेट्स अबाउट हाफ टू टू बाई थ्री ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम डेली फ्राम कार्बोहाइड्रेट्स जितनी भी हम कैलोरीज रोज बर्न करते हैं अपने काम के लिए अपने वर्क के लिए वो कार्बोहाइड्रेट से ही मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट से ही आती हैं ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी जो ग्लूकोज है वह मोस्ट ऑफन मीन्स के मेजॉरिटी केसेज में इसी को हम कंसिडर करते हैं एनर्जी का सोर्स और यही होता है अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज सुक्रोज एंड स्टार्च जो अदर ग्लूकोज के अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हम इनटेक कर रहे होते हैं आम रूटीन में वो उसमें माल्टोज लैक्टोज सुक्रोज एंड स्टार्च आता है कार्बोहाइड्रेट कंटेन फोर किलो कैलोरीज़ पर ग्राम अब एक कार्बोहाइड्रेट के ग्राम में चार किलो कैलोरीज होती हैं ह्यूमन गेट्स कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड पास्ता बीन पोटैटो ब्रेड, राइस एंड सीरियल्स ये उसके सोर्स लिखे हुए मीन्स कि आपको कहाँ कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है लिपिड्स लिपिड प्रेजेंट इन कंपोज ऑफ फैटी बॉन्डेड टू ग्लिस्ट्रोल लिपिड्स बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं ठीक है जो इसके साथ जुड़े एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड में भी सैचुएटेड और अनसेचुरेट या तो ये सेचुएटेड होते हैं या अनसेचुरेटेड होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बाउंडेड टू हाइड्रोजन एटम्स ठीक है अब जितने भी सैचुएटेड है ना उसमें मीन्स के जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड होता है और वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है अनसेचुरेटेड केस में क्या होता है सम ऑफ द कार्बन एटम्स डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन आइटम अनसेचुरेट केस में आपके पास डबल बॉन्ड आ जाता है ठीक है जनरली द लिपिड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं द लिपिड्स कंटेनिंग अनसेचुरेट फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर जो सेचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं जो अनसेचुरटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं फॉर एग्जाम्पल बटर कंटेन नियरली सेवेंटी परसेंट सेचुरेटेड एंड थर्टी परसेंट अनसेचुरेट फैटी एसिड टे अब बटर में चूंकिटेड है तो ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है जबकि सन फ्लावर ऑयल जिसमें सेवनटी फाइव परसेंट अनसेचुरेटेड हैचर पर भी लिक्विड होता है लिपिड आर यूज फॉर्म मेमब्रेन दीत सराउंड न्यूरोन हार्मो लिपिड अब कहाँ कहाँ यूज होते हैं शीत होती है एंड सर्टिन हार्मोन्स में भी होता है लिपिड्स आर ऑलसो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स ये भी एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एनर्जी सोर्स हमारी बॉडी के अंदर वन ग्राम ऑफ लिविड के अनर्जी नाइन किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी अब इसका वन ग्राम नाइन किलो कैलोरीज के बराबर है जबकि ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स का किसका था फोर किलो कैलोरीज के बराबर है सोर्स ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क बटर चीज़ एग्स मटन फिश मस्टर्ड सीड्स कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स एक्सेट्रा ये सब लिपिड्स के सोर्सेज थे उसके बाद आते हैं प्रोटीन्स प्रोटीस आर कम्पोज ऑफ माइनो एसिड्स ठीक है ये एसिड की चेन से प्रोटीन्स आर असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेलिज ये साइट्रोप्लाजम मैमब्रेन्स ऑर्गेलिज का मेजर कंपोनेंट है मेन कंपोनेंट है दे आर ऑल्सो द मेजर कम्पोनेंट ऑफ मसल लेगमेंट्स एंड टेंडेंट ये मसल और में मौजूद होते हैं सो वी यूज प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ हम मीज के ग्रोथ के लिए ज़्यादातर प्रोटीन यूज़ कर रहे होते हैं मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज इंजाइम बहुत से जो प्रोटीन्स हैं वो इन्ज़ाइम का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं प्रोटीन कैन आल्सो यूज़ फॉर गेनिंग एनर्जी वन ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंस फोर किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोटीन का जो एक ग्राम होता है वो चार किलो कैलोरीज एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है डायट्री सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मीट एग्स ग्रेन्स लेग्यूम्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड चीज़ उसके बाद मिनरल्स मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं दैट ऑरिजिनेट्स इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी जो मीनस कि अर्थ से हम लेते हैं यूटिलाइज करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ अब ये बहुत से बॉडी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है उसको मेंटेन करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स अब या तो ये डायरेक्टली प्लांट और वाटर से आ रहे होते हैं या इनडायरेक्टली एनिमल फूड से आ रहे होते हैं मिनरल्स आर कैटेगराइज टू मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स ये दो तरह के होते हैं मेजर होते हैं ट्रेस होते हैं जो मेजर मिनरल्स हैं वो उनकी अमाउंट हंड्रेड मिलीग्राम होती है ये ज़्यादा पर डे के हिसाब से जबकि जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं इनकी लेस देन हंड्रेड मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड होती है द रोल ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स इन द ह्यूमन बॉडी